ये आप देख पा रहे हैं मारुति सुजुकी सिलेरियो कार का जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है कार, उसका इंजन है। और आप देख पा रहे हैं ये इंजन का अंदर का लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये इंजन बहुत अच्छी तरह से टेक्निक से बनाया गया है, उसका बैटरी है। और यहाँ पर आप कूलांट देख पा रहे हैं, और यहाँ पर आप कूलांट का लेबल देखेंगे। और यहाँ पर देखिए ये इंजन ऑयल का दिया गया है, और ये इंजन ऑयल चेंज करने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर वाइपर का पानी चेंज करने के लिए दिया गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ब्रेक ऑयल चेंज किया जाता है यहाँ पर। और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के जो सब सिस्टम होते हैं यहाँ पर दिया गया है। और ये जो आप बैटरी देख पा रहे हैं ये बहुत ही अलग अंदाज में फ्यूज के साथ जो कैसे कनेक्ट किया गया है, देखिए ये बैटरी को। ये बहुत ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार के बैटरी हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा टेक्निक से बनाया गया है, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। देखिए इसका अंदर का लुक है, ये आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सब दिया गया है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका अंदर का लुक देखिए, ये डायनामो है जो चार्ज करता है। इसका अंदर का लुक देखिए, ये हेडलाइट है। और ये जो केबल देख पा रहे हैं ये एसी के कनेक्टर हैं। और यहाँ पर जो ट्रांसमिशन दिया गया है वहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये रेडिएटर फैन है, आप देख पा रहे हैं ये रेडिएटर का फैन है। और यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है जो गियर का, यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बनता है। और यहाँ पर दिया गया है ये एयर फिल्टर है। और यहाँ पर जो दिया गया है ये फ्यूज, सारे बैटरी और कार के यहाँ पर फ्यूज जो इंजन के ऊपर दिया गए हैं। किसी का कोई कोई कार में इंजन के बोनेट के अंदर होता है जो काफ़ी परेशानी होती है, दिक्कत होता है खोलने में। यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से आप ये पेंच को खोल सकते हैं और ये बोनेट को उठा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया है। देखिए इसका ये एयर पास के लिए और रेडिएटर का एयर पास होगा। आप ये इंजन देख पा रहे हैं अच्छी तरह से, आप देख लीजिए।